सुप्रभात क्लास सिक्स, आप लोगों की हिंदी व्याकरण से हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। दो चैप्टर आप लोगों के पहले ही कंप्लीट हो चुके थे, तो थर्ड चैप्टर हमारा जो चल रहा था वो था शब्द विचार। शब्द विचार में हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण तक हम लोग पढ़ चुके थे, और उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर जान चुके थे कि उनके 5 भेद, इसके उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं, वो थे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशा शब्द और विदेशी शब्द। ठीक है बच्चों, तो अब हमने तत्सम शब्द के बारे में पढ़ा था, अब है हमारा दूसरा तद्भव शब्द के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमारे तद्भव शब्द में है संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तित या विकृत रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तित या विकृत रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे घोड़ा, कोयल, पत्ता, सांप आदि। तो ये क्या हैं? तद्भव शब्द हैं बच्चों। संस्कृत के वे शब्द जो कुछ तो परिवर्तित हो जाते हैं या विकृत रूप में ही वो ज्यों के त्यों उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि घोड़ा, कोयल, पत्ता, सांप आदि। देशर शब्द, ये शब्द किसी भाषा के नहीं बल्कि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयोग होने लगे, जैसे पगड़ी, खिड़की, गाड़ी, थैला आदि। जैसे कि आम लोग, आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें ये ऐसे प्रयोग किए जाने लगे। कौन से शब्द थे बच्चों? पगड़ी, खिड़की, गाड़ी, थैला आदि। अब है हमारा 4 नंबर पे हमारा विदेशी शब्द। विदेशी शब्द उन शब्दों को कहा गया है जो दूसरी भाषाओं के हैं परंतु उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, जैसे कि अंग्रेजी शब्द है बस, स्टेशन भी अंग्रेजी शब्द है, फीस, टेलीफोन, कॉफ़ी आदि, ये हमारे शब्द क्या हैं? अंग्रेजी के शब्द हैं, है कि नहीं बच्चों? ओके, ये भी हमारा अंग्रेजी शब्द है। अरबी शब्द, खबर, हलवा, अदालत, शतरंज, तारीख, विमान, ये शब्द क्या हैं? और ये हमारी आम बोल चाल के शब्द हैं बच्चों। खबर, हलवा, आप लोग खाते हो जो हलवा कई तरह का होता है, वो भी हमारा अरबी शब्द का है, लेकिन हम लोग उसको आम तौर पे उसी को बोलते हैं। अदालत, शतरंज जो एक खेल का नाम है, तारीख जो आप डेट है, तारीख, और बीमार। फारसी शब्द, प्याज, नमक, गुब्बारा, आसान, वकील, बगावत। तो इन शब्दों को भी हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यानी कि रोज की बोलचाल में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुर्की शब्द, दरोगा, कालीन, कैंची, खच्चर। तो कैंची का भी हम लोग घरों में आए दिन, आप लोग भी, हम लोग भी, घर के सभी लोग आए दिन कैंची का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कैंची भी हम लोग डेली पर ये शब्द का हम लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं। पुर्तगाली शब्द है चाबी, तौलिया, बाल्टी, ये तो हमारी दैनिक, ये भी हमारे दैनिक बोलचाल वाले शब्द हैं यानी कि प्रतिदिन बोले जाने वाले शब्द हैं। फ्रांसीसी शब्द, कारतूस, कार्टून, कूपन, बिगुल। चीनी शब्द हैं लीची, पटाखा, तूफान, चाय। तो इन शब्दों को हम अपनी आम बोलचाल में हम लोगों ने इसको बना लिया है, ये शब्द हमारे रोज प्रतिदिन बोले जाने वाले शब्द हैं। अब आते हैं हमारे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, तद्भव और तत्सम शब्द में आप लोगों को अंतर दिख रहा होगा कि जो हमारे ये दिखाई दे रहे हैं इसमें शब्द, ये तो हमारे तत्सम शब्द हैं, अग्र, अम्बा, उष्ट्र, काग, कोकिल, नासिक, भ्रमर। ये क्या है? नासिका, ये क्या है? भ्रमर। तो ये कौन से शब्द हैं? संस्कृत वाले। तत्सम शब्द संस्कृत के त्यों के यों ही रखे रहते हैं, और तद्भव है, तद्भव में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि संस्कृत के वे शब्द जो कुछ तो परिवर्तित हो जाते हैं, कुछ को यों का ज्यों का त्यों ही उनको हिंदी की बोलचाल में रख देते हैं। आगे, अम्मा, ऊंट, कुआ, कोवल। तो अब ये है, ये संस्कृत वाले शब्द हैं, ये हमारे तद्भव, तो यानी इन्हीं संस्कृत वाले शब्दों को यहाँ पर इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया है। अब ऐसे ये हैं, ये भी तत्सम शब्द हैं, ये तद्भव हैं, ये संस्कृत के हैं, तो ये हिंदी वाले हैं, तो यही संस्कृत वाले शब्दों का यहाँ पर हिंदी में रूपांतरण किया गया। अब ये है, ये भी हैं शब्द हमारे संस्कृत और तद्भव वाले, तत्सम और तद्भव।
दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द संकट शब्द कहलाते हैं, यानी कि दो भाषाओं के जब शब्द आपस में मिलते हैं तो वो शब्द संकट शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है, तो क्या हो गया ये रेलगाड़ी। अब यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का यहाँ पर मेल किया गया तो यहाँ पर क्या बना रेलगाड़ी। फूल हिंदी का है, दान फारसी का शब्द है, तो पूरा शब्द क्या बना फूलदान। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों शब्द? रचना के आधार पर भी शब्दों में क्या है उपभाग है, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। अब यहाँ पर हम यहाँ पर ऋण शब्द के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे शब्द जो परंपरा से ही किसी अर्थ के लिए चल रहे हों और जिन्हें तोड़ने से उनके भागों का कोई अर्थ ना निकलता हो, उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कि एक ऐसे शब्द जो परंपरा से ही किसी अर्थ के लिए चले आ रहे हैं और उन्हें तोड़ने के उनके तोड़ दें तो उनके कई भागों का कोई अर्थ ना निकलता हो, उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कि पहाड़ को हम तोड़ देते हैं तो हाड़, तो इनको अलग अलग करेंगे तो उनका कोई ऐसे शब्द नहीं निकलता है। कुत्ता, सेवा, आदमी, हाथी। उदाहरण के लिए यदि पहाड़ शब्द को तोड़े इस तरह से लिखे पहाड़ पहाड़, तो इन तीनों वर्णों को हमने अलग किया तो इसमें किसी वर्ण का कोई अर्थ सार्थक अर्थ नहीं निकल आता। इस तरह के शब्द ऋण शब्द कहलाते हैं, यानी कि वे शब्द जिनका हम तोड़ते हैं तो उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, वो होते हैं हमारे ऋण शब्द। दूसरे नंबर पे है यौगिक शब्द। योग का अर्थ होता है जोड़ना, अतः ऐसे शब्द जो शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि रसोई घर, रसोई प्लस घर। पवन चक्की, पवन प्लस चक्की, पवन का अर्थ होता है हवा, चक्की का अर्थ होता है जो दो पहिए होते हैं, दो पार्ट होते हैं, उनके बीच में जो चक्की होती है वो होती है। तो ये हमारे इसमें सार्थक शब्द हैं, इनमें यदि हम इनका खंडन करेंगे तो हमें इनका क्या दिखेगा, इनमें अर्थ दिखाई देगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा योग ऋण शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ के लिए किया जाता आ रहा है उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कि पीताम्बर, जलज, नीलकंठ, चतुर्भुज, श्वेतांबर, कृष्ण, कमल, शिव, विष्णु आदि। अब प्रयोग के आधार पर भी देखो, अब इसमें प्रयोग के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब देखो सार्थक शब्द में क्या होता है, वे शब्द जिन उन शब्दों को सार्थक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका जिनसे किसी शब्द का अर्थ बोध होता हो, यानी कि उसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे कि पवन शब्द है, पवन का मतलब होता है हवा। हवा क्या है, जीवनदायिनी है। यदि हवा नहीं होगी तो हमें प्राणदायिनी हवा नहीं मिलेगी, हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसका पवन शब्द का अर्थ आपको सार्थक समझ में आ रहा है ना बच्चों? उसी प्रकार के शब्द होते हैं जैसे कि इसमें दे रखा है रस्सी, पुस्तक, कमल, पंखा आदि। निरर्थक शब्द है, निरर्थक उन शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी अर्थ का बोध नहीं होता है। जैसे टह, बस्सी, बाय, समल, ची, टर, तो ये निरर्थक शब्द है, यानी कि इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों की तरह किया जाता है तब वे सार्थक हो जाते हैं। जैसे तोता, तोते की आवाज़ कैसी होती है, तोता क्या करता है टैं टैं, यानी कि इसको सार्थक शब्द के साथ जोड़ दिया गया निरर्थक शब्दों को तो ये एक वाक्य बन गया, यह एक सार्थक शब्द के साथ जुड़ गया तो इसका अर्थ हमें निकलने आ गया कि तोता टैं टैं करता है, यानी कि तोते की आवाज़ क्या होती है टैं टैं। रस्सी वस्सी ले आओ, तो रस्सी का तो सार्थक अर्थ है, बस्सी क्या है इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं, यह एक निरर्थक अर्थ है। चाय वाय समय पर पीनी चाहिए, एक आम बोलचाल का प्रयोग है। जैसे कि आम बोलचाल में कहते ना कि चाय वाय बना लो, चाय वाय पी लो, तो चाय का तो सार्थक अर्थ आप लोगों को पता है कि चाय पीने योग पीने के काम आती है। बाय का अर्थ क्या है, कुछ नहीं है ना, तो ये वाले शब्द हैं निरर्थक। अब अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। विलोम शब्द आप लोग क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास UKG में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ, ये शुरू से ही जड़ से चलते आ रहे हैं। पर्यायवाची शब्द भी
एकार्थी, एकार्थी का मतलब होता है एक शब्द का एक ही अर्थ। अनेकार्थी, अनेकार्थी का अर्थ है कि एक शब्द के अनेक शब्द। ठीक है बच्चों, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, अब देखो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं। ये भी आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, संज्ञा है, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विशेषण क्रिया, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये सब आप लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, तो आप लोग उनके बारे में जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या है, क्रिया विशेषण के बारे में, संबंध बोधक के बारे में। आप लोग आगे इसको अगले चैप्टरों में आप लोग इनके बारे में जानोगे। तो ये है आज का आपका थर्ड चैप्टर, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आज हमने किस किस के बारे में पढ़ा बच्चों, हमने यहाँ पर तद्भव शब्द के बारे में जाना, देश शब्द के बारे में जाना है, विदेशी शब्द के बारे में जाना, और तत्सम और तद्भव के बारे में भी हमने यहाँ जाना। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्दों के बारे में पढ़ा, यौगिक शब्दों के बारे में पढ़ा हमने यहाँ पर, योग रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ा। प्रयोग के आधार पर भी शब्द के 2 भेद प्रकार थे, सार्थक और निरर्थक। इन दोनों के बारे में भी हमने यहाँ पर अच्छे से पढ़ा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब अर्थ के आधार पर भी शब्द के कितने भेद बताए थे, 4, विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी और अनेकार्थी। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर भी कितने भाग थे, 8, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विशेषण क्रिया, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इन सब के बारे में हम, जो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर जो भाग थे, हम इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा इस चैप्टर को। आप आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद बच्चों।